अंकित भाई पीछे अरे आगे मत जाओ ले 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 राखी आ गई है राखी जी आ गई है भारती जी आ गए जी 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 पीछे आ जाओ इधर भी जाना अरे कैमरा अरे थोड़ा अशोक सर बताएंगे आप लोगों को पता होगा कि पहले ही दिन जो है ट्रायल कोर्ट में जो है उनको जेल की कस्टडी देनी थी, पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन का चांस नहीं है। उस ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया गया और आज रिवीजन कोर्ट ने जो है उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और उसको फ्रेश रिमांड के लिए जो है पुलिस को इजाज़त दे दी कि आप उसको जेल में से जाके उसकी कस्टडी ले सकते हो और कल फिर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके आगे पुलिस कस्टडी ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। वो जो सच्चाई से छुपने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस कस्टडी में रहता तो शायद सारी बातें बाहर निकलती, तो वो आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है और कल फिर जो है उसको रिमांड पे डेफिनेटली लिया जाएगा और सारी कोशिश। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक जी की, फाल्गुनी की, वाहिद भाई, सभी हमारे पीपीए, सभी जितने भी एडवोकेट्स हैं। आज अभी अभी जो एक खुशी की उम्मीद और एक सच्चाई की जीत जो अभी मुझे मिली है, मैं जज साहब जनपोषे जज साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक महिला को जिसमें पीड़ित हूँ मैं, मुझे न्याय मिला है। अभी अभी कल मैटर है, वहाँ से आता रोड जेल से आदिल को पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, अशोक साहब है यहाँ पर, फाल्गुनी है, पीपीए सब लोग हैं और ज़रूर झूठ हारेगा और सच जीतेगा, मेरा विश्वास है। ऐसे में जो मैसूर कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उनके ट्रांसफर का, उसका क्या होगा? उसका ऐसा है, जब तक बॉम्बे के पुलिस की कस्टडी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो जैसे ही बॉम्बे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद जो है कोर्ट परसों दिंदोशी कोर्ट, जो मैं उनके बहुत जो जज साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फाल्गुनी जी, जो लॉ है वो आप बताइए क्या हुआ है? जैसे अभी सर ने आपको बताया कि अभी दोबारा पुलिस को, शिवरा पुलिस को जेल जाके उसकी कस्टडी लेनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की जो भी रिमांड की प्रोसीजर है वो बैक टू स्क्वायर वन आई है। अभी रिमांड की सारी प्रोसीजर होगी और उनको डे वन ही पुलिस कस्टडी नहीं मिली आदिल को एंड उन्होंने जीसी ले ली, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट बेल अप्लाई कर दी। जब तक पुलिस की ओशिवारा पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे सच्चाई मेरे पैसों की, मेरी जो कंडीशन की, ये मेरी माँ के जेवर, मेरी हार्ड अर्न और मेहनत की कमाई, दो अहम मुद्दे जिसपे बहुत सारे मैदे किया वो ये कि पहली बात मेरे जो उसने एलिगेशन लगाया 377 का लाकी ने, उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उसकी मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है। जो लाकी ने उसको एलिगेशन ये लगाया कि भाई तुमने कुछ वीडियोस लिए हमारे साथ में जो नहीं लेने चाहिए थे, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने उस चीज़ों को कंसिडर करके ये वापस रिकंसिडर करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को कहा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरी माँ को, ईश्वर को, एडवोकेट को, कोर्ट को, थैंक यू सो मच। उनको पूछताछ हो अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। थैंक यू, चले चले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आदिल को नहीं लेके आया क्या?